गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, माई नेम इज़ शिखा कंवर एंड आई एम फ्रॉम आदिनाथ कॉन्वेंट स्कूल. फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू EVS एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 विच नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग रिलेशन. रिलेशन रिलेशन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज़ आवर रिलेशन. जैसे कि हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन होता है, हमारा ग्रैंडफादर के साथ रिलेशन होता है, हमारे भाई के साथ हमारा रिलेशन होता है, सिस्टर के साथ हमारा रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन मतलब रिश्ता, जो हमारा रिश्ता होता है उसके बारे में, हमारे रिलेशन के बारे में समझना, ये इस चैप्टर के अंदर हम बताएंगे आपको. ओके. तो रिलेशन में दो प्रकार के हमारे यहाँ पर टू टाइप्स के फैमिलीज होते हैं, एक तो जॉइंट फैमिलीज, एक न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है, तो हम आज उसी के बारे में जानेंगे. ला स्टार्ट. पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल. वन डे पूजा वॉज वेरी सैड. नेहा आस्क्ड हर, वाई आर यू सो सैड टुडे? पूजा रिप्लाइड, माई फादर इज इल. नेहा सेड, डोंट वरी पूजा, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रेसेस इंटरवल. अंकल विल बी फाइन सून. पूजा और नेहा जो कि एक ही क्लास में पढ़ती हैं, दे आर स्टडी इन सेम क्लास. वन डे एक दिन पूजा बहुत दुखी थी, बहुत सैड थी. नेहा आस्क्ड हर, नेहा ने पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे? नेहा ने पूछा कि क्यों आप दुखी हैं, इतना क्यों दुखी हो तुम? पूजा रिप्लाइड, पूजा ने जवाब दिया, माई फादर इज इल, मेरे पापा जो हैं वो बहुत बीमार हैं. नेहा सैड, डोंट वरी पूजा. नेहा ने कहा कि पूजा तुम चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट दैट, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग लेसेस. हम इसके बारे में इंटरवल में बहुत अच्छे से बात करेंगे कि क्या हुआ तो मुझे बताना. अंकल विल बी फाइन सून, अंकल बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे. ड्यूरिंग रेसेस इंटरवल में नेहा, यस पूजा टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर. नेहा ने कहा कि हाँ पूजा बताओ अब तुम्हारे पापा को क्या हुआ. पूजा, फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे. पूजा ने कहा कि मेरे जो पापा हैं, माई फादर इज सफरिंग, मेरे पापा जो हैं उनको बहुत तेज़ से बुखार है कल रात से. नेहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर? तो नेहा ने कहा कि क्या वो डॉक्टर के पास गए. पूजा, यस हाँ, डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिंस, डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिंस दी है. माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम. और जो मेरे ग्रैंड मदर हैं, वो जो मेरे ताऊजी हैं, वो उसकी क्या कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं देखभाल कर रहे हैं, उनको टेक केयर कर रहे हैं. नेहा, देन वाई आर यू सो वरिड? नेहा ने कहा, वाई आर यू सो वरिड, तो क्या हुआ, अच्छी बात है ये तो. ऑल आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली में सब तो हैं, वाई आर यू वरिड, तुम दुखी क्यों हो. पूजा, यस ऑल मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर. पूजा ने कहा, यस माई फैमिली मेम्बर्स आर लिव टुगेदर, सब साथ रहते हैं हम. ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, चाची जी, चाचा जी, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टुगेदर. उसने कहा कि मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा, दादी, चाचा, चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ, सब हम साथ रहते हैं. ओके. नेहा, डोंट वरी, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली, सी ही विल बी फाइन विद इन 2 and 3 days. इन माई फैमिली देर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली. तो नेहा ने कहा, डोंट वरी, यू डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे फैमिली में तो सभी हैं, सभी उनका ध्यान रख रहे हैं, इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी, ताऊजी, ताई जी, सब कुछ तो हैं, सब उनका ध्यान रख लेंगे, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएंगे. मेरी फैमिली में तो सिर्फ मैं, मेरे पापा और एक मेरा छोटा भाई है, हम तो सिर्फ 4 ही लोग हैं हमारी फैमिली में, और तुम्हारी फैमिली तो इतनी बड़ी है, तो आपके पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. अब यहाँ पर हमने देखा कि 2 types ऑफ फैमिली का यहाँ पर नाम आया है. एक तो आया है जिसमें ताऊ जी, ताई जी सभी रह रहे हैं, और एक उसमें आया जिसमें केवल मदर, फादर एंड 2 or 3 brothers sisters, मतलब जो उनके बच्चे होते हैं वही रहते हैं. तो 2 types ऑफ फैमिली होती है, तो वो होती है, देयर आर 2 types ऑफ फैमिलीज. देर आर 2 types ऑफ फैमिलीज. फर्स्ट जिसको जिसके बारे में उसने बताया था, किसने बताया था, नेहा ने. फर्स्ट जिसने बताया था नेहा ने, वो कहलाती है ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली
जॉइंट फैमिली होती है, और सेकंड जिसके बारे में पूजा बात करी थी क्योंकि वो उसके मम्मी पापा और उसका भाई रहता है, तो इट इज़ न्यूक्लियर, इट इज़ न्यूक्लियर फैमिली, इट इज़ न्यूक्लियर फैमिली, ओके। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इज जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। नाउ वी आर कंपेयरिंग इन दिस टू फैमिलीज, इनमें क्या होता है, जो जॉइंट फैमिली होती है इसके अंदर एक तो सबसे पहले ग्रैंड मदर, सॉरी ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, बुआ, ये सभी रहते हैं इस ग्रैंड जॉइंट फैमिली में। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, अंकल, बुआ वगैरह सभी रहते हैं। एंड न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, ओनली मदर, सॉरी ओनली फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रंस और देयर चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस। न्यूक्लियर फैमिली में ओनली फादर, मदर और उनके चिल्ड्रंस रहते हैं। तो दिस इज द डिफरेंट इन बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, ओके। इस पैराग्राफ को छोड़ देना। इन योर प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। अब मैंने बताई दिया आपको कि हमने हमारे पहले वाले क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर bringing up their children, while in a joint family all the family members cooperate with help each other। क्या होता है कि जो joint family होती है उसमें तो सभी बच्चों को पालने में, उनको बड़ा करने में सब help करते हैं। grandfather खिलाते हैं, grandmother उनको take care करती है, mother father करते हैं, बुआ करती है, uncle aunty करते हैं, सब take care करते हैं बच्चों का। पर इन न्यूक्लियर फैमिली कोई होता नहीं है तो मदर और फादर को ही उन्हें अपने बच्चों को बड़ा करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक फैमिली ट्री दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक फैमिली ट्री दिया हुआ है जो कि इस बुक में दिया हुआ है। आपको भी अपनी फैमिली का ट्री बनाना है, कॉपी के अंदर आपकी नोटबुक के अंदर आपको क्या बनाना है, आपका फैमिली का ट्री बनाना है जैसे इसमें दिया हुआ है, लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में कौन रहते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, बुआ। एंड न्यूक्लियर फैमिली में फादर, मदर और उनके बच्चे। तो बाकी पढ़ेंगे कल।